अस्सलाम वालेकुम, आज मैं क्वालिटी ब्रांड का और एक आइसक्रीम मिक्स बना रही हूँ। ये पिस्ता फ्लेवर वाला है। इससे पहले भी मैंने 3 फ्लेवर वाले डाले हैं क्वालिटी के आइसक्रीम, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वालिटी का फिर एक फ्लेवर का आइसक्रीम बना रही हूँ। ये पिस्ता फ्लेवर वाला है। ये आपको बाय वन गेट वन मिलेगा। हमारे कर्नाटक साइड ये बाय वन गेट वन मिलता है, कोई भी छोटे मॉल्स में आप देखेंगे तो। हाफ लीटर दूध में बनाना बोल के दिया है, फुल क्रीम मिल्क में। तो मैं फुल क्रीम मिल्क नंदिनी ब्रांड का ली हूँ। ये सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी होगा आइसक्रीम, और एक 20 ml फ्री भी दे रहे हैं। ये देखिए 23 rupees में मिलता है फुल क्रीम मिल्क नंदिनी ब्रांड का। तो ये 23 और ये बाय वन गेट वन में मिलता है। ये 55 rupees में 2 डिब्बे मिलते हैं, बाय वन गेट वन है। सिंगल डब्बे पे दिया है उन्होंने 55 rupees। मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगी आइसक्रीम कितने रुपए में बनेगा। मैंने दूध को कट कर लिया है, भगोने में डालूंगी। इसे खोल के डाल दूंगी ये आइसक्रीम मिक्स को। ये बाय वन गेट वन मिलता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो राउंड फिगर 27 पकड़ेंगे हम इसका। ये 27 और दूध 23, कुल मिला के कितना हुआ, 50 rupees हुआ दूध और आइसक्रीम मिक्स मिला के। मैं इसमें 2 tablespoons जितनी शक्कर डाल दूंगी। इसमें शक्कर ऑलरेडी होती है, लेकिन हमारे घर में के लोगों को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, इसीलिए 2 tablespoons जितनी शक्कर डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना है तो शक्कर डालिए या फिर मत डालिए। देखिए गैस पे इसे पकने के लिए रखी हूँ। एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि आप गैस पे रखने के बाद इसे फ्लेम कैसी रखती हैं बोल के। देखिए गैस की फ्लेम मैं मीडियम लो पे रखती हूँ और कंटिन्यू चम्मच घुमाती हूँ। अगर आपको गैस की फ्लेम को हाई भी रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन नीचे लगना नहीं चाहिए। कंटिन्यू चम्मच घुमाते हुए उबाल लेना है। सिर्फ मेन इसका क्या है, उबाल लेना है। कैसे भी उबाल लीजिए आप, मैं तो ऐसे उबालती हूँ। ये जो भी आइसक्रीम मिक्स के जो पैकेट्स आते हैं ना, इंस्टेंट आइसक्रीम मिक्स के, वो सबका प्रोसीजर एक ही होता है, एक ही टाइप में बनाना चाहिए। मैं अब बेकर्स का भी एक आइसक्रीम मिक्स लाऊंगी, उसका भी डालूंगी जल्द से जल्द। जो आइसक्रीम मिक्स हमारे तरफ अवेलेबल हैं वो ला के डालूंगी मैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेकर आइए मेरे चैनल पे। अब मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रख के पका रही हूँ। आप अपने हिसाब से पकाइए। आप हाई फ्लेम पे मैनेज कर सकते हैं तो हाई फ्लेम रखिए। अगर आपको हाई फ्लेम पे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, दाग लगने के चांसेस हैं, तो गैस की फ्लेम को कम कर लीजिए। इसमें क्या इतना उतना रखना क्या नहीं है, सिर्फ दूध को अच्छे से उबाल लेना है बिना दाग लगाए हुए। देखिए दूध में उबाल आ रहा है, ये देखिए दूध पक रहा है। अब मैं गैस को बंद कर लूँगी और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए दूंगी। उसके बाद फ्रीज़र में रखूँगी पूरी तरह से ठंडा होने के बाद। देखिए इतना सा सेट कर लिया है मैंने, फुल सेट हुआ था। मैंने स्पून से थोड़ा सा मैश कर लिया है, ऐसा होना चाहिए। फेंटने से पहले इतना सा सेट कर लीजिए। पैकेट पे दिया है 2 घंटे रखिए फ्रिज में और मिक्सर के ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, ऐसा बोल के दिया है। 2 घंटे रखिए या फिर 4 घंटे रखिए, लेकिन इतना सेट होना चाहिए। उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहना चाहिए और स्मूथ भी नहीं रहना चाहिए, वैसी कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। देखिए मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, देखिए ऐसा रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो मोटर पे वजन पड़ेगा। अब इसे फेंट लूँगी। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ये भी पूछा था कि उस पर क्रीम डालना बोला है, आपने क्रीम क्यों नहीं डाला। इस बार मैं क्रीम डाल के बना रही हूँ। अगर आप भैंस का दूध लेते हैं, उसकी मलाई पड़ती है, तो वो लेके डालिए, या फिर ये अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है ना, वो डाल के बनाइए। या मैंने केक को लगाने के लिए क्रीम लेते हैं ना, वो वाली ली हूँ, 100 ग्राम क्रीम ली हूँ, वो डालूंगी इसके अंदर। उस पर दिया है 250 ml डालिए बोल के पैकेट के ऊपर, फ्रेश क्रीम बोला है। ये मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली हूँ, इसके अंदर ऑलरेडी शक्कर होती है, ये इसके अंदर डाल दूंगी। या फिर ये डालिए अमूल का, ये भी अच्छी होती है, लेकिन उसमें शक्कर नहीं होती, इसमें शक्कर होती है। अलग से व्हिप करके मिक्स करिए या फिर ऐसे ही डालिए। अब इसे व्हिप कर लूँगी।
देखिए ऐसे बना है, थोड़ा सा पतला ही बन रहा है। इसे थोड़ी देर तक फ्रीज़र में रखूँगी, उसके बाद फेंट लूँगी। देखिए मैंने 15 मिनट से फ्रिज में रखा था, अभी इसे मिक्स करके और एक बार फेंट लूँगी। देखिए इतना ठीक रहना चाहिए तभी अच्छा बनेगा। अब फेंटना बंद कर दूंगी। ये नंदिनी की देखिए 500 ml की डिब्बे हैं। दूध निकालने के बाद मैंने इन्हें इस तरह से खोल के धो के रखा है। इसके अंदर आइसक्रीम डालूंगी, आपको पता चले कि कितना बना है आइसक्रीम। ये देखिए एक में डाल दिया है, ये भर चुका है। इस तरह से टाइट करके यहाँ पे सील करके फ्रीजर में रखेंगे। फुल भरा है, आप देख सकते हैं। देखिए दूसरा डिब्बा लिया है, अब इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा और हो गया, निकाल लूंगी इसे। इसे भी सील करके रखेंगे। ये तीसरा डब्बा लिया है, उसमें डालूंगी ये। देखिए तीसरा डब्बा भी भर गया है। ये देखिए तीन डिब्बे भरे हैं मैंने 500 ml के। देखिए सिर्फ आधे लीटर दूध में 1.5 लीटर से ज्यादा हो चुका है। देखिए यहाँ भगोने में भी है। इन्हें मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। एक में चॉको चिप्स डाल दूंगी, तभी डाल के डालेंगे तो नीचे जाके बैठेगा वो। थोड़ी देर तक सेट करके उसके बाद अंदर मिक्स कर लीजिए तो ऊपर रहेंगे वो। मिक्स कर लिया है, इसे अंदर रख दूंगी। एक डिब्बे में जेली डाल दूंगी, मैंने मिक्स जेली ली है पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। इसे मिक्स कर लूँगी। आप प्लेन भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा अलग करिए। देखिए मिक्स कर लिया है, इसे भी फ्रीजर में रख दूंगी। एक डिब्बे से 3 डिब्बे आइसक्रीम बने हैं, 1.5 लीटर से 1.5 लीटर बने हैं। पूरा फुल प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ आपको। अब खोल के देख लेंगे इन्हें। देखिए सेट हो चुके हैं ना, और ये तो पूरा मुँह को ही आ गया है। अब निकाल लेंगे इसे, स्कूप से लेंगे। देखिए कितना क्रीमी बना है। ये प्योर पिस्ता वाला डिब्बा है, ये चॉकलेट चिप्स जो मैंने डाला था ना वो वाला। देखिए ये भी कितना स्मूथ बना है, चॉको चिप्स वाला। अब ये जेली वाला, जेली वाला तो पूरा ऊपर ही आया है। बहुत ही स्मूथ बना है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम डाला था ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्मूथ बना है ये। चॉको चिप्स डालूंगी यहाँ पे, कि मैंने डाल दिया है। और भी बचा है आइसक्रीम, मैंने और एक प्लेट में थोड़ा सा आइसक्रीम लिया है, उसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। देखिए चॉकलेट से अलग दिखता है और टूटी फ्रूटी से अलग। आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आइसक्रीम आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। देखिए इतना क्रीमी बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम डाला था ना इसीलिए। आप भी इस तरह से आइसक्रीम ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।